स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा, जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे सब असाधारण उद्यम है, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे महासागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है, और ये वो महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा, और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है।